हेलो गाइस, कैसे हैं? ठीक है। हम स्टार्ट लेक्चर नंबर फोर्थ से स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दें कि लेक्चर नंबर जो थर्ड मैंने आपको दिया था, लेक्चर नंबर फोर्थ, उसमें आप कई कंप्लेन आया है, क्वेश्चन कमेंट में आया है कि सर वीडियो थोड़ा सा क्लियरिंग नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको फिर से वो जो चीज़ मैंने आपको स्केल्टल सिस्टम को डिवीजन जो किया था एडल्ट स्केल्टल को, तो मैंने उसको अब आधा आधा कर सोच रहा हूँ कि उसे आधा आधा, जैसे कि एक्सियल स्केल्टल, सॉरी, जो एडल्ट जो स्केल्टल सिस्टम था उसे दो भागों में बांटे थे ना, तो एक्सियल स्केल्टल और अपेंडिकुलर स्केल्टल दो भागों में डिवीजन किए थे ना। तो आज हम ए दोनों एक ही लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, आधा आधा पढ़ेंगे। तो कुछ समझ में आ रहा है ना मेरा बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कहने का मतलब ये है, जो एडल्ट स्केल्टल सिस्टम में जो 206 बोन्स पाए जाते थे उसको मैं डिवीजन किया था एक्सियल स्केल्टल सिस्टम में वन में, दूसरा आपका अपेंडिकुलर स्केल्टल में। एक्सियल स्केल्टल सिस्टम में आपका जनरली कितने बोन्स आते थे? 80 बोन्स आते थे ना जी। आपने अगर नोट्स नहीं बनाया होगा तो देखिएगा लेक्चर में, पिछले वाले में तो मैंने, अगर नहीं भी देखना तो ये वाला देख ही रहे हैं ना। तो एक्सियल स्केल्टल सिस्टम 80 बोन्स होते हैं, अपेंडिकुलर स्केल्टल सिस्टम में 126 बोन्स होते हैं। अगर टोटल मिला दें तो हम 206 बोन्स हो जाएगा। ये चीजें आ रहे हैं क्लियर ना? तो एक्सियल स्केल्टल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केल्टल सिस्टम, तो आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, अपेंडिकुलर स्केल्टल सिस्टम की बात नहीं करेंगे। मतलब कि 126 जो बोन्स है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड कर देंगे। तो आज हम केवल 80 बोन्स की बात करेंगे। 80 बोन्स हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसकी पोजीशन क्या है ना? तो ये चीजें आज हम टू केवल डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो ऐसे एडल्ट स्केल्टल सिस्टम डालकर 206 वहां पे दो डिवीजन कर दीजिए, मतलब कि उनको दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है एक्सियल स्केल्टल सिस्टम, एक आपका अपेंडिकुलर स्केल्टल सिस्टम। तो हम अपेंडिकुलर नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे और एक्सियल आज की क्लासेस में पढ़ेंगे ना। तो एक्सेल में जो 80 बोन्स होते हैं उनकी हम पोजीशन बात करेंगे, कहाँ कहाँ से जी 80 बोन्स होते हैं। तो एक्सेल में हम यही चीज पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में ना? एक्सेल मतलब अच्छी के अच्छी अच्छी होता है, अच्छी कंकाल ना। तो देखो ये कह रहा है कि अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके सब्सक्राइब करने के बाद वो आपको मिल जाए ना। तो चलिए ठीक है, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ देर ना करते हुए। तो देखिए ये एक्सियल स्केल्टल सिस्टम आप तो जानते हैं कि 80 बोन्स होता है। तो 80 बोन्स जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? देखिए कह रहा है कि पहले एक्सियल स्केल्टल क्या होता है। एक्सियल स्केल्टल सिस्टम इंक्लूड्स, ये इंक्लूड्स लिखा है, अगर वीडियो में क्लेमिंग नहीं आ रहा है तो इंक्लूड्स, देखो ये इंक्लूड्स है ना। एक्सियल स्केल्टल इंक्लूड दोज बोन, वह बोन जो हेल्प करे फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। मतलब कि वैसे तो ये दोनों बात, जैसे कि ये दोनों जो बोन था, जो डिवीजन था, वो दोनों आपके बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपका एक्सियल हो या अपेंडिकुलर हो, तो फिलहाल में हम एक्सियल पढ़ रहे हैं, तो जो परिभाषा हम इसके पढ़ेंगे वही परिभाषा उसके भी पढ़ेंगे। तो ये चीजें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सियल इसका बस यहीं पर चेंज कर देंगे अपेंडिकुलर ना। तो एक्सियल स्केल्टल इंक्लूड दोज बोन विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी एक्सिस, मतलब कि हमारे बॉडी के एक्सिस को फॉर्मेशन करने के लिए जो बोन पार्टिसिपेट करते हैं उस बोन्स को हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? एक्सियल स्केल्टल। ऐसे में ये बोन्स जो होते हैं जनरली 80 बोन्स होते हैं। देखिए क्या काम क्या करते हैं, इट इज सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द स्कल्स। जो हमारा स्कल्स जो होता है ना, ये खोपड़ी जो होती है और नेक जो गर्दन रीजन होता है, टॉर्सो रीजन जो होता है, इनको ये क्या करते हैं? सपोर्ट करने का काम करते हैं ना। तो देखो लिखा है इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द स्कल नेक एंड टॉर्सो रीजन को क्या करता है, ये सपोर्ट करने की बात करता है।
अब तो ये सजी इतना क्लियर आया, अब बात करते हैं कि 80 बोन्स में कौन कौन से बोन होते हैं। तो जनरली आपका जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बोन्स होते हैं। तो अगर हम बात करें तो जनरली इसे चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार, स्कल्स, हेवाइड्स, वर्टिब्रल और थोरेसिक केज, ना? तो ध्यान में रखो, देखो ये बोल रहा है कि स्कल, स्कल, स्कल माने खोपड़ी, ना? खोपड़ी, ये जो आपका हेवाइड्स बोन्स है, हेवाइड्स बोन्स, दूसरा आपका वर्टिब्री है, देखो ये वर्टिब्री है ना, दूसरा वर्टिब्री है, आप सॉरी तीसरा, चौथा जो आपका है थोरेसी केज ना। तो ये चीजें चार भागों में इसको डिवीजन किया गया है ना। तो अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल्स में टोटल, स्कल्स में जो होते हैं टोटल 22 बोन्स, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा है, तो आप लिख लीजिए स्कल्स में जो होते हैं 29 बोन्स होते हैं ना। स्कल्स में कितने बोन्स होते हैं? 29 बोन्स ना। तो यहां पे आपने लिखे हैं तो यहां पे लिख लीजिए कितने बोन्स होते हैं? 29 बोन ना। तो 29 बोन आपके स्कल रीजन में पाए जाते हैं। हेवाइड्स बोन्स 1 होता है, वर्टिब्री तो आप जानते हैं कि 26 होता है ना। तो स्कल की अगर हम बात करें तो 29 होता है, याद कर लेना, हमारे खोपड़ी में कितने बोन्स होते हैं? 29, मतलब 29 बोन होते हैं। अब 29 बोन में कौन कौन होते हैं? आपका ये जो क्रेनियल होता है इसमें फर्स्ट, स्कल्स को जनरली तीन भागों में बांटा गया है, मतलब कि स्कल्स आपके तीन रीजन से मिलकर क्या होता है? बना होता है। पहला है आपकी बात करें तो क्रेनियल होता है, क्रेनियल की, क्रेनियल, क्रेनियल मतलब जो कंकाली जो बोन्स होते हैं, जो क्रेनियल्स में खोपड़ी के अंतर्गत जो बोन्स पाए जाते हैं वो जनरली 8 पाए जाते हैं ना। तो 8 बोन्स होते हैं। दूसरा फेशियल बोन, जो ये चेहरे के रीजन है ना, ये चेहरा, जो चेहरा आप होते हैं फेशियल कराते रहते हैं हमेशा, तो उस पे जो बोन्स होता है वो जनरली कितना होता है? 14 बोन्स होते हैं। आ रहा है ना समझ में? तो देखिए क्रेनियल्स में 8 होते हैं, फेशियल में 14 होते हैं। ईयर और स्कल्स, जो कान होता है ना, राइट एंड लेफ्ट जो आई होता है, कान कान, ये जनरली आपका 6 बोन्स होता है, मतलब कि 3 इसमें होता है, 3 इसमें होता है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस बोन का क्या नाम है? इस बोन्स में जो 3 राइट वाले में पाया जाता है, मैलियस, इंकस, स्टैपिस होता है। मैलियस, इंकस और स्टैपिस, इसकी संख्या राइट वाले में एक एक होती है और इसमें भी 1-1 होते हैं। टोटल अगर गिना जाए तो 2-2-2-2 तीनों होती है, 2-2 इसमें भी तीनों होती है, टोटल 6 होता है, मतलब 3 को इसमें होता है, 3 को इसमें होता है। तो ये अगर आप गिनेंगे तो टोटल आपका 29 आ जा रहा है, हो जाना ना कि गिन लो 14 14 8 कितना होता है, 14 और 6 20 20 28। ये एक और बोन्स है इसी के अंतर्गत आता है। तो हाँ, तो हेवाइड्स बोन्स होता है ये, जनरली आपका ये यहाँ पे पाया जाता है ना, यहाँ पे ये बोन्स होता है, हेवाइड्स बोन्स, इसकी संख्या 1 होती है ना। तो अगर ये चीज तो समझ में आया, अगर हम बात करें क्रेनियल्स में 8 बोन्स है तो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो क्रेनियल्स में जो बोन्स होते हैं ये मैं मिटा दूँ, थोड़ा सा लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं मिटा दे रहा हूँ ना। तो लिखना है तो लिख लीजिए, तो एक्चुअली में पहले इसको हम क्लीनिंग कर ले रहे हैं, बता दे रहे हैं टोटल ना। तो हेवाइड्स बोन्स 1 होता है। वर्टिब्री की बात करें, वर्टिब्री कॉलम की बात करें तो वर्टिब्री कॉलम जो होते हैं जनरली आपके 13 पेयर्स होते हैं, मतलब 13 13 26 होती हैं। तो वर्टिब्री जनरली आपका कितने होते हैं? 26 होती हैं, याद कर लेना।
वर्टिब्रिया जो होती है जनरली 26 होती है पिछले हिस्से में, ऐसे यहाँ से जो होती है ना ऐसे, मैंने आपको आपको वहाँ पे बताया था ये यहाँ से ऐसे रिब्स आपस में पीछे से जुड़े होते हैं, रिब्स पसलियां जो होती हैं इसी से जुड़ी होती है। तो ये जनरली आपका जो वर्टिब्रिया होती है ना ये आपका 26 होता है। अगर हम थोरेक्स रीजन की बात करें, थोरेक्स केज की बात करें, तो ये जो थोरेक्सिक केज है ना ये आपका जो थोरेसिक केज है, तो ये जो थोरेसिक केज है इसमें जनरली दो भाग है, आपका रिब्स पसलियां है और एक आपका स्टर्नम है ना। तो ये जो स्टर्नम और रिब्स है, ये स्टर्नम और रिब्स है, तो ये रिब्स जो होते हैं 24 होती हैं, स्टर्नम आपका 1 होता है। तो यहाँ से जो स्टर्नम होता है इसको स्टर्नम बोलते हैं और ये रिब्स आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, इसी स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। समझ में आ रहा है ना। तो स्टर्नम की संख्या 1 होती है, तो ये 1 लिखा है। तो रिब्स, ये रिब्स की संख्या कितनी होती है, पसलियाँ जनरली आपका 24 होती है ना। तो पसलियों को भी जनरली 3 भागों में बांटा गया है, आपका ट्रू रिब्स, फाल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स ना। तो जनरली इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ट्रू रिब्स, फाल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। तो ये चीज़ें उतारना है तो एक बार देख लीजिए। मैं अभी फिर से ये आपका डिवीजन में टोटल आप गिनेंगे तो 80 गुण आ जा रहा है। तो हम केवल इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसका पढ़ना है 26 गुण है। तो सर जी कौन कौन से हैं, तो स्टर्नम में तो ये चीज़ें सही है, ये चीज़ तो रित पसलियाँ होती हैं, बस हमें इसका भी नहीं पढ़ना है, ईयर ऑस्कल मलियस इनका सिस्टेपिस होता है, अगर क्रेनियल और फेसियल पढ़ना है तो ये चीज़ें देखना उतारना है तो उतार लीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी उतारिए। मिटा दूं ये चार्ट बना लेना। तो अगर हम क्रेनियस बोन्स की बात करें, क्रेनियस बोन्स, क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं ना। तो क्रेनियस 8 बोन्स होते हैं, तो ये मिटा दे रहा हूं मैं, बना लिया हूं ना चार्ट। तो इसमें जनरली आपका फर्स्ट बोन होता है टेम्पोरल होता है। टेम्पोरल
दूसरी जो बोन्स होती है फ्रंटल होता है, फ्रंटल। तीसरी जो होता है ओसीपिटल, ओसीपिटल। चौथी जो बोन्स होता है पेराइटल। ये हो गया, इसको मिटा दूं। सिफेनॉइड, इथेमॉइड ना। तो ये जनरली आपका देखो क्रेनियल में फ्रंटल है, पेराइटल है, ओसिपिटल है, टेम्पोरल है ना। तो फ्रंट तो टेम्पोरल में जनरल टेम्पोरल जो होते हैं, टेम्पोरल जो होती है जनरली दो होते हैं, और फ्रंटल जो होता है, फ्रंटल ये सामने वाला जो होता है इसकी संख्या वन होती है। ओसिपिटल जो होता है इसकी भी संख्या वन होती है। पेराइटल जो होते हैं दो होते हैं। सिफेनॉइड बोन जो होते हैं वन होते हैं। इथेमॉइड बोन जो होते हैं वन होते हैं ना। तो दो चार दो आठ तो आठ बोन्स हुआ ना। देखो दो चार दो छः दो आठ। तो अब ये तो संख्या में पता चल गया कि क्रैनियल में जनरली कौन कौन से बोन्स आते हैं। तो टेम्पोरल, फ्रंटल, ओसिपिटल्स और पेराइटल, सिफेनॉइड और इथेमॉइड। तो ये तो बोन्स सभी पता चल गया, लेकिन ये कहाँ बोन्स पाए जाते हैं। तो क्रैनियल्स बोन्स है, तो क्रैनियस बोन्स है तो जनरली आपके क्रैनियस बोन्स होंगे आपके इसी रीजन में पाए जाएंगे, इसी रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक ना। तो ऐसे छुड़ा देंगे क्रैनियस, क्रैनियस तो जो इसी रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक ही पाए जाएंगे। तो ये फर्स्ट, अगर हम टेम्पोरल की बात करें तो ये जनरली टेम्पोरल जो होते हैं ना आपके इस रीजन में पाए जाते हैं। ये इस रीजन जो होता है ये टेम्पोरल होता है, ये यहाँ पे कान है जो ना, कान के जस्ट बगल में ये आपका टेम्पोरल होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, एक तुम्हारा राइट वाला में होता है, एक इधर आपके लेफ्ट साइड में होता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। अगर हम फ्रंटल की बात करें तो फ्रंटल में ये ललाट आ जाता है, देखो ये इसकी संख्या वन होती है ना। तो फ्रंटल जो होता है वन होता है ललाट। तो इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो हिंदी में लिख लेना पीछे यहाँ पे एरो ना। और ओसीपिटल जो होता है, ओसीपिटल जो होता है जस्ट आपके पीछे होता है, ये जो पीछे आप रीजन है बोन्स, तो ये आपका जनरली वन होता है। देखो एक फ्रंटल, एक ओसीपिटल, एक टेम्पोरल, इधर टेम्पोरल। तो टेम्पोरल की संख्या दो थी, ओसिपिटल ये तुम्हारा ओसिपिटल पीछे था और पेराइटल टेम्पोरल आपके सामने था ना, अरे फ्रंटल आपके सामने था। तो फ्रंटल की संख्या वन हुआ, टेम्पोरल की संख्या दो हुआ और आपका ओसिपिटल की संख्या वन हुआ यहाँ पे। अगर हम पेराइटल की बात करें तो पेराइटल आपका ये रीजन है, तो पेराइटल की रीजन अगर एक इधर है तो एक इधर है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है ना। तो पेराइटल आपके इस रीजन में पाए जाते हैं, एक इधर होता है और एक इधर पाया जाता है, तो इसकी संख्या उस वन होती है। सिफेनॉइड होता है, इथेमॉइड्स होते हैं। तो सिफेनॉइड्स जो बोन्स होते हैं, सिफेनॉइड्स जो बोन्स होते हैं वो आपके ये आपके जो सिफेनॉइड्स बोन्स होते हैं इसकी संख्या वन होती है। ये हमारे आँख के रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ से आई जो होती है अंदर से ना जुड़ी होती है, वही बोन्स जो होता है आपका सिफेनॉइड्स होता है ना। अगर इथेमॉइड्स की बात करें तो ये जो नाक आपको दिखाई दे रहा है ना, नाक जिस पॉइंट से जुड़े होते हैं जहाँ से, तो उस बोन्स को हम बोलते हैं इथेमॉइड्स। तो इसकी संख्या कितनी होती है, वन्स होती है। तो आया समझ में। टेम्पोरल जो होता है, एक बार और देख लो, टेम्पोरल जो होता है दो होती है, राइट यहाँ पे पाई जाती है ना, तो ये दो। फ्रंटल की बात करें तो ये आपका ललाट यहाँ पे,
एक होता है। ऑसिपिटल की बात करें तो ऑसिपिटल आपके पीछे होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ना, तो इसकी संख्या वन होती है। पेराइटल की बात करें तो पेराइटल आपके इस रीजन में पाए जाते हैं, वन टू दो होती है। सिफोनॉइड की बात करें तो आँख में होता है, इसकी संख्या दोनों आँख के जहाँ अपन ज्वाइंट करते हैं वो सिफोनॉइड बोन्स होता है, इसकी संख्या वन होती है। इथेमॉइड जो होता है ये जो कान नाक जो होते हैं दोनों ना, ये जिस ज्वाइंट से जुड़ती है उसे इथेमॉइड बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्रैनियल में आया तो लिख लिए ना, तो इसको मिटाते हैं तो लिखना है तो लिख लीजिए। क्रैनियल में के बाद आपका फेशियल बोन्स आ जाता है ना, तो क्रैनियल के बाद आपका फेशियल बोन्स, क्रैनियल के बाद फेशियल ही था ना, फेशियल में कितने बोन्स थे, 14 बोन्स थे ना, ये चेहरे रीजन में थे, इतना तो ये हो गया। अब इस चेहरे रीजन में 14 बोन्स कौन कौन से हैं तो ये चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ, लिखना लिख लिए होगे ना। तो ये चीजें मैं आपको फेशियल रीजन की बात करा लूं, दूसरी थी बोन ना, तो फेशियल में जो था फेशियल बोन्स जो थे कितना थे जी, 14 थे ना, ये फेशियल जो बोन था आपका 14 था। तो अब 14 में कौन कौन से बोन्स आते हैं, अब आप तो 14 में जो बोन्स आते हैं आपका, पहला जो बोन होता है आपका जाइगोमेटिक होता है, जाइगोमेटिक। दूसरा जो होता है मैक्सिला होता है, मैक्सिला होता है। तीसरा जो होता है आपका नेजल होता है, चौथा आपका लैक्राइमल होता है, लेक्राइमल। पांचवा आपका जो होता है लेक्राइमल, और पांचवा जो आपका होता है, पांचवा आपका पैलेटाइन, पैलेटाइन। पहले टाइम चौथा उमर्स होता है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 और ये इंफीरियर नोजल कैपिलरी, इंफीरियर नोजल कैपिलरी को ना, तो इंफीरियर नोजल कैपिलरी और मैंडिबल, मैंडिबल ये जनरली आपका मैंडिबल जो होता है, ये मैंडिबल वन होता है और ओमर्स वन होता है और ये सभी दो दो होते हैं। ओमर्स भी वन होता है, पैलेटाइन भी दो होते हैं। तो गिनो तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 तो टोटल 14 बोन्स हुआ ना। तो ये 14 बोन्स आपके फेशियल बोन्स पर होते हैं, तो याद कर ये लिखना है, लिख लीजिए 14 बोन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये जनरली जो 14 जो बोन्स होते हैं आपका, अगर हम बता दें तो 14 बोन्स जो होते हैं, तो ये लिखना है पहले लिख लो, तो ये अब ध्यान दो ना, जाइगोमेटिक्स,
जाइगोमेटिक्स बोन्स जो होते हैं जनरली इसकी संख्या दो होती है। तो जाइगोमेटिक्स में देखो बोन्स कहाँ होते हैं, ये आपका आई रीजन है ना, ये आई रीजन है ना, आई आई इसके जस्ट नीचे में ये जो बोन्स होते हैं एक और दो ना, तो ये जो बोन्स है देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये इसकी संख्या जो होती है आपकी दो होती है ना, तो ये राइट एंड लेफ्ट। तो अगर हम मैक्जिला की बात करें तो मैक्जिला जो बोन्स होता है आपके जस्ट नाक के बगल में यहाँ पे ना, तो ये जस्ट नाक के बगल में यहाँ पे होता है मैक्जिला, तो एक और इधर दो ना, तो इसकी भी संख्या दो होती है। नेजल की बात करें तो ये जो नेजल्स बोन्स होते हैं ये आपके जनरली ये बोन्स होता है ये ना, तो एक इधर वाला और एक इधर वाला ना, तो इसकी संख्या कितनी होती है दो। अगर हम लैक्राइमल की बात करें तो लैक्राइमल जो बोन्स होते हैं जनरली इसकी संख्या दो होती है, ये आपके यहाँ रीजन में ये यहाँ पे ना, तो इसकी संख्या कितनी होती है दो। अगर पैलेंटाइन की बात करें, तालू, तालू जानते हैं कहाँ पाया जाता है, तो ये पैलेंटाइन जो होता है तालू ऐसे नीचे पाया जाता है निचले रीजन में, तो इसकी संख्या भी दो होती है। अगर हम बात करें ओमर्स की, तो ओमर्स जो होते हैं जनरली कितने होते हैं वन होते हैं ना, तो ये ओमर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये नाक के जो बीच की रीजन यहाँ पे पाया जाता है ना ये बोन्स, इसको ओमर्स बोलते हैं ये ना, तो इसकी ओमर्स बोलते हैं, इसकी संख्या वन होती है। इंफेरियर नेजल कोक्लेई जो होते हैं ये दो होते हैं, इंफेरियर नेजल जो कोक्लेई होता है, इंफेरियर नेजल कोक्लेई जो होते हैं ये आपके दो होते हैं, वन होता है और दो, ये एक दो ना, तो दो होता है। मैंडिबल की बात करें तो ये वन होता है, मैंडिबल जनरली आपका यहाँ पे है देखो यहाँ पे ना, ये ना, तो ये आपका मैंडिबल है ये ना, अंदर की तरह ऐसे यू से पेट का होता है ना, तो ये मैंडिबल आपका हुआ। तो ये जनरली जाइगोमेटिक्स, जाइगोमेटिक ध्यान दो, यहाँ पे बोन्स जो पाया जाता है उसको जाइगोमेटिक बोलते हैं, मैक्जिला जो होता है मैक्जिला जस्ट आपके इस रीजन में पाया जाता है ना, तो आपका ये जो नाक है यहाँ से जो मैक्जिला रीजन है ये आपका मैक्जिला है। लैक्राइमल आपके आँख के जस्ट नीचे ये बोन्स जो है इसकी दो संख्या होती है। पैलेटाइन तो तालू होता है, इसकी संख्या दो होती है। ओमर्स जो होते हैं ओमर्स की संख्या जो होती है जनरली वन होती है। ये ओमर्स जो होते हैं देखो यहाँ पे जो ये नाक है ना, नाक ये दोनों यहाँ से ना, तो इसको ओमर्स वन संख्या होती है। इंफेरियर नोजल कैक्लेई जो होते हैं नाक की ये जो दो राइट एंड लेफ्ट है ये है, और मैंडिबल आपका ये है। तो ये टोटल आपका फेशियल रीजन में 14 बोन्स जो थे आपको मैंने आपको ये काउंटिंग करा दिया। तो ये चीज़ें मैंने उम्मीद किया होगा समझ में आया होगा। अगर हम तीसरी बोन्स की बात करें तो ईयर ऑस्कल्स ना जी, तो ईयर ऑस्कल में ज़्यादा नहीं बात करना है। तो ईयर ऑस्कल में इंकस था, मैलियस था और स्टेपिस। तो ये जनरली वन वन होते हैं, ये भी वन होता है ये भी वन, तो एक कान में ये तीन होते हैं और दो वाले कान में टोटल छह होता है ना, तो राइट एंड लेफ्ट में होता है। तो ये ईयर ऑस्कल में बोन आते हैं, लिखना है तो लिख लो, तो लिखी होगी तो लिख लो। इसके बाद अगर आप वर्टिब्री की बात करें ना, तो वर्टिब्री बच जा रहा है, तो वर्टिब्री में ये चीज़ लिख लो, तुम्हें भी मैं बता रहा हूँ वर्टिब्री में, तो वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है 26 होती है ना, तो बता दे रहा हूँ अभी जल्दी लिखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, लिख लिया करो ना जल्दी जल्दी थोड़ा सा। तो वर्टिब्री की बात करें तो वर्टिब्री जनरली 26 होते हैं, तो 26 में तो 26 में फर्स्ट आपका जो आता है वो आपका थोरेसिक वर्टिब्री, सॉरी फर्स्ट जो आता है सर्वाइकल, ये सात होते हैं, और दूसरा जो होता है थोरेसिक ये आपका 12 होता है,
अब दूसरा आता है लंबार, दिखाई नहीं दे रहा है ये इंकस मैलियस स्टेपिस ना, तो मैलियस इंकस स्टेपिस होता है लंबार, ये यम है ना, ये तुम्हारा सैक्रम, इसकी संख्या 5 होती है, तो 12, 5, 17, 17 और 7 कितना हुआ, 17 और 7 23, सैक्रम जो होता है सैक्रम ना, तो सैक्रम की संख्या 1 होती है सैक्रम, तो सैक्रम 1 होता है, सॉरी तो और ये आपका कॉक्सिलियर होता है, कॉक्सिक, तो 12, 12, 5, 17, 17 और 23, 23, 24, 25 ना, तो 25 आपका वर्ड भी गड़बड़ है, ये लिखो मैं बता रहा हूं, ये देखो जी 19, 19 और 5, 24, 24, 26 हो गया ना टोटल, मैं गिनती काउंटिंग कम कर रहा था, तो लंबार आपका 5, थोरेसी 12, सर्वाइकल 7 ना, सैक्रम 1 और कॉक्सिजिल 1, ये आपकी जस्ट ऐसे पीछे जब आप देखेंगे ना, तो पीछे जब रीजन आप बनाएंगे, तो थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, तो अगर आपको समझना है ना तो आप फिगर बना लीजिएगा ना, तो फिगर मैं ये जनरली आपको फिगर की बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ तक जो रीजन होता है आपका सर्वाइकल होता है, तो यहाँ तक जो आपका होता है वैसे बना लीजिए, देख लीजिएगा थोरेसिक, इसकी संख्या जो होती है 12 होती है, यहाँ तक जो होता है लंबार होता है 5 ना, तो लंबार, और ये यहाँ तक जो होती है एक जो होता है सैक्रम होता है, और ये आपका कॉक्सिजिल होता है, तो ऐसे आपका ये आपका बोन्स होते हैं, वर्टिब्री होती है, जनरली इसकी संख्या कितनी होती है 26 होती है, तो सर्वाइकल 7 होता है और थोरेसी 12 होता है, लंबार 5 वर्टिब्री होती है, सैक्रम वर्टिब्री 1 होती है, कॉक्सिजल वर्टिब्री 1 होती है, तो ये चीज़ें आपको मैंने वर्टिब्री में बता दिया, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, तो टोटल ये बोन्स आपका 80 बोन्स में मैंने काउंटिंग करा दिया, तो देख लो काउंटिंग कर ये बोन्स आपका पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा मैंने आपको काउंटिंग करा दिया, उम्मीद की होंगे ये आपका एक्सल स्केलेटल सिस्टम समझ में आ गया होगा ना, तो एक ला और ऐसे समझ जाओ तो कि एक्सल स्केलेटल सिस्टम को जनरली 2 भागों में बांटा गया था, 3 भागों में ना, तो आपका स्कल था, वर्टिब्री था और थोरेसी केज था ना जी, तो स्कल और वर्टिब्री और थोरेसी केज और हेवाइड्स बोन्स,
तो ये जनरली आपका था। और स्कल्स में जो आपको मैंने बताया था, स्कल्स में जनरली तीन थे, क्रैनियल था, फेशियल बोन्स था और क्रैनियल था, फेशियल बोन्स था और ईयर ऑस्कल था। तो स्कल्स में टोटल 29 बोन थे, तो उसमें जो क्रैनियल बोन था वो 8 था और फेशियल में आपका 14 था और ईयर ऑस्कल में और 6 था ना। तो और हवाइड्स बोन्स 1 था और वर्टिब्री 26 था और वर्टिब्री 26 था और एक बोन्स कौन था वर्टिब्री के बाद, हाँ थोरेसिक केज में 2 बोन थे, एक रिब्स था और एक स्टर्नम था। तो रिब्स की संख्या 30 पेयर्स थी, 24 थी, 24 थी ना रिब्स, पसलियाँ 24 होती हैं, 12 पेयर्स होती है, स्टर्नम 1 था। तो ये चीज़ें टोटल मिला दिया जाए तो 80 बोन्स हो गया। तो कल हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन में ना। तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं, नमस्कार। तो